नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मथुरा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी जगत बहादुर अग्रवाल से बजट के संदर्भ में वार्ता करते हुए कृष्ण गुप्ता। इस दौरान जगत बहादुर अग्रवाल ने कहा कि बजट व्यापारियों के हित में नहीं है, निराशाजनक है। देखिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी जगत बहादुर अग्रवाल से वार्ता करते हुए कृष्णा गुप्ता। आज हमारे साथ हैं एक बार और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं और जो है जगत बहादुर अग्रवाल हमारे साथ हैं आज एक बार और। अग्रवाल साहब, आज क्या कहना चाह रहे हैं? व्यापार मंडल के आप पदाधिकारी हैं और जो सरकार का बजट पेश हुआ है उसको लेकर। मैं जगत बहादुर अग्रवाल, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल रजिस्टर उत्तर प्रदेश का, मथुरा महानगर इकाई का वरिष्ठ महामंत्री। कल माननीय वित्त मंत्री ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। निश्चित रूप से इसमें जनता को लुभाने वाली कोई नई घोषणाएं नहीं की गई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि व्यापार जगत को इस बजट से काफी निराशा हाथ लगी है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्यम वर्ग के लिए आयकर की सीमा बढ़ाने की मांग लोग इंतजार में थे और मांग भी कर रहे थे, उसको वित्त मंत्री ने नजरअंदाज कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापारी वर्ग जीएसटी और तमाम करों के माध्यम से करोड़ों का राजस्व सरकार को देता है, उसके हित के लिए कोई भी योजना या घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। बजट से पूर्व उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा था, जिसमें कहा गया था कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे कि आटा, दाल, गेहूं, उन पर जीएसटी खत्म किया जाए ताकि मध्यम वर्ग को इससे राहत मिल सके, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। दूसरी ओर हमारा कहना था कि जो व्यापारी 20 साल से आपको जीएसटी का दे रहा है, उसके परिवार के लिए चिकित्सा शिक्षा जैसी जो सुविधाएं हैं उनमें राहत प्रदान की जाए, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो 60 साल के ऊपर के जो व्यापारी हैं उनको पेंशन देने की बात थी, उसको भी ध्यान नहीं दिया गया। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि जो बजट आया है यह व्यापारियों के लिए निराशाजनक रहा है। हम एक आपसे यही जान लें, जगत साहब, आपने बोला कि वित्त मंत्री जी ने अपना ध्यान नहीं दिया बजट की ओर, तो क्या ध्यान नहीं दिया? मैंने अभी बताया आपको कि जो व्यापारी कल्याण की योजनाएं होनी चाहिए उन पर अभी सरकार का ध्यान नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में जब मोदी सरकार का पूर्ण बजट आए उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि व्यापारियों की सभी तरह से उपेक्षा की गई है। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग इस बजट से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात, कहना यही बिल्कुल सही बात है कि व्यापारियों के लिए बजट निराशाजनक है और इसमें व्यापारियों को भी समझौता नहीं दी गई। अब क्या आप चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से? अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी कल आने वाला है और उसमें माननीय योगी जी व्यापारियों को कौन सी राहत प्रदान करेंगे ये आने वाले समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगत बहादुर अग्रवाल, हमारे साथ रहिए, व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं आप, और इन्होंने बताया कि मतलब जो बजट है उसको लेकर निराशाजनक रहा है, और जो है इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी व्यापारियों के प्रति ध्यान दें, जो 60 वर्ष से जो है ऊपर के वर्ग के व्यापारी हैं उनको ध्यान दें, और व्यापारी वर्ग के साथ जो घटनाएं हो जाती हैं लूट वगैरह जैसी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, और व्यापारी वर्ग जो है एक पीड़ित है वो नहीं होना चाहिए, व्यापारियों की समस्याओं का समय रहते निदान होना चाहिए, उनको पलीता न लगना चाहिए। मथुरा से कृष्ण गुप्ता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।